ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। सो पुनः एक बार श्री राम नवमी के पावन पर्व में श्री राम कथा गाने का यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है और इन 7 दिनों में श्री रामायण के एक विशेष सोपान की कथा हम सब श्रवण करेंगे। वैसे वाल्मीकि ऋषि ने रामायण को 7 भागों में विभाजित किया। इवन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण को 7 भागों में विभाजित किया। वाल्मीकि ऋषि ने इन 7 भागों को कांड कहा। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग के लोगों की मनोदशा देखकर कांड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वाल्मीकि ऋषि ने तो सतयुग में लिखा था ना, फिर सतयुग के बाद त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग तक तो ये कांड शब्द का अर्थ ही चेंज हो गया है। वैसे कांड बहुत अच्छा शब्द है लेकिन हमारी भाषा में कांड जो है ना वो कोई गलत अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। सो देश काल पात्र के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में इन 7 भाग को कांड न कहकर सोपान कहा। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। लेकिन फिर भी हम लोग जहां रामायण की बात है तो इसे कांड शब्द से ही पहचानते हैं।
श्री रामायण में 7 सोपान हैं, वाल्मीकि ऋषि इसे 7 कांड कहते हैं, और 7 सोपान के नाम, 7 कांड के नाम उस कांड में, उस सोपान में हुई लीला के अनुसार है। श्री रामायण का प्रथम सोपान है बाल कांड, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र के बाल्य लीला, भगवान रामचंद्र के जन्म से लेकर अनेकों प्रकार के संस्कार से युक्त बाल्य लीला का वर्णन, यहाँ तक कि राम जी की विवाह तक का वर्णन इस बाल कांड में किया गया। गत सत्र में सीताराम जी की विवाह की कथा जो हमने सुनी, ये बाल कांड की अंतिम लीला थी। तत्पश्चात दूसरा सोपान है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जिसमें अयोध्या में होने वाली लीलाओं का वर्णन है, सारी लीला अयोध्या में हुई। तीसरा सोपान है अरण्य कांड। ये अरण्य कांड में सारी लीला अरण्य में, यानी कि रण में, यानी कि वन में हुई। चौथा सोपान है किष्किंधा कांड। इस किष्किंधा कांड की सारी घटनाएं, सारी लीलाएं किष्किंधा क्षेत्र में हुई, जहां हनुमान जी, सुग्रीव जी रहते थे। पांचवा सोपान है सुंदर कांड। यह लीला सुंदर पर्वत से प्रारंभ हुई, और फिर क्योंकि हनुमान जी ने सुंदर लीला की, इसलिए इसे सुंदर कांड कहा गया। छठा सोपान है लंका कांड। इसमें सारी लीला लंका में हुई, इसलिए लंका कांड। और सातवां सोपान है उत्तर कांड। उत्तर माने बाद में, सो राज सिंहासन पर बैठने के बाद जो लीलाएं हुई वो सब उत्तर कांड में वर्णन है। हमें जिस कांड की कथा सुननी है आज से 7 दिनों तक, हम लोग अरण्य कांड की कथा सुनेंगे। श्री रामायण का तीसरा सोपान है अरण्य कांड, क्योंकि पिछले दिनों बाल कांड 7 दिन तक हमने विस्तार से सुना। इवन गत कथा में तो बाल कांड की केवल एक लीला को हमने 7 दिन सुना। पिछली अन्य कथाओं में हमने अयोध्या कांड को भी विस्तार से सुना। इस बार हम अरण्य कांड की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम अरण्य कांड की भूमिका के रूप में मैं आपको निवेदन करूं, हम सब वैष्णव हैं कि नहीं है? वैष्णव है ना, हम सब वैष्णव हैं, विष्णु के हैं, कृष्ण के हैं। हम वैष्णवों के लिए भगवान विष्णु का आश्रय लेना, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना, ये सबसे बड़ी चीज है। सो हम वैष्णवों के को 4 माध्यम से भगवान का आश्रय लिया जाता है। 4 चीज, 4 वस्तु के माध्यम से हमें भगवान का आश्रय लेना है, और ये 4 वस्तु भी क्रम से होनी है। सो सबसे पहले हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना है। जब नाम में प्रीति हो जाए, नाम में पूर्ण रुचि हो जाए, उस नाम को के माध्यम से चित्त पूर्ण शुद्ध हो जाए, तब दूसरा आश्रय है भगवान के रूप का आश्रय। जब भगवान के रूप में मन लग जाए तो तीसरा आश्रय है लीला का आश्रय, और जब लीला में मन लग जाए तो चौथा है धाम आश्रय। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं क्रम से नाम, रूप, लीला और धाम।
भगवान राम जी की जो कथा है रामायण में, जो वर्णन है, कुछ इसी क्रम से है। जैसे सर्वप्रथम वैष्णव के लिए जो चार भगवान के आश्रय हैं, उनमें प्रथम है नाम। ये नाम की महिमा रामायण के बाल कांड में बड़े भरपूर रूप से वर्णन की गई है। सो बाल कांड में भगवान के नाम की महिमा है। 81 चौपाई, 81 चौपाई और 9 दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के प्रारंभ में बाल कांड में नाम की महिमा बताते हैं। और केवल गोस्वामी जी ही नहीं, इस बाल कांड में शिव जी के द्वारा, अहल्या माता के द्वारा भगवान राम के नाम की महिमा भरपूर रूप से गाई गई है। सो बाल कांड में नाम की महिमा, बाल कांड में नाम महिमा सुनकर नाम के प्रति प्रीति रुचि हो जाए तो फिर दूसरा कांड है अयोध्या कांड। सो अयोध्या कांड में रूप का वर्णन किया गया है, अयोध्या में रूप का वर्णन। अयोध्या में भगवान के वर रूप का वर्णन, सीताराम जी के जुगल रूप का वर्णन और राम जी के वनवासी रूप का वर्णन अयोध्या में किया गया। सो अयोध्या कांड में भगवान के तीन रूप का वर्णन, एक तो सिंगल, सिंगल मैन वर रूप का वर्णन, दूसरा जुगल रूप सीताराम जी का वर्णन, और अयोध्या कांड में ही राम जी के वनवासी रूप का वर्णन दर्शन होता है। और साथ ही साथ इस अयोध्या कांड में राम जी के साथ लक्ष्मण जी के गृहस्थ युगल रूप का वर्णन और लक्ष्मण जी के सन्यासी रूप का वर्णन, अन्य दो भाई भरत और शत्रुघ्न जी के भी गृहस्थ रूप का वर्णन। सो सर्वप्रथम है नाम, बाल कांड में नाम का वर्णन किया गया। दूसरा है अयोध्या, सो अयोध्या कांड में भगवान के रूप का वर्णन किया गया। अब नाम में रुचि हो गई, रूप में प्रीति हो गई, तो तीसरा क्या है? लीला। सो अब अरण्य कांड में, अयोध्या कांड के बाद तीसरा है अरण्य कांड। सो अरण्य कांड में भगवान रामचंद्र की लीला का वर्णन है। और फिर चौथा है धाम। अंत में भगवान श्री रामचंद्र के धाम का वर्णन किया गया, किस प्रकार से रामचंद्र वापस अयोध्या में आए। हम विचार करेंगे अरण्य कांड पर, वैष्णव के आश्रय के रूप में चार वस्तु हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। तो लीला का वर्णन जो है अरण्य कांड में हुआ है। आप सब जानते हैं राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला है। कई कई माता ने क्या मांगा था? तापस्वेश विशेष उदासी, तापस्वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को तपस्वी का वेश धारण करके वन में जाना है, ठीक है? तो राम जी वन में कितने वर्ष रहे? 14 वर्ष के लिए रहे। तो इन 14 वर्ष में आपकी जानकारी के लिए
राम जी सबसे अधिक समय चित्रकूट में बिताए हैं, और चित्रकूट में होने वाली जितनी भी लीला कथा है वो अरण्य कांड में वर्णन है। श्री राम जी के 14 वर्ष के वनवास में 13 वर्ष चित्रकूट में रहे। चित्रकूट में रहकर उन्होंने अनेकों लीलाएं की, और फिर एक वर्ष में चित्रकूट से फिर आगे चले और फिर सीता का अपहरण हुआ, फिर किष्किंधा में, फिर लंका में, वो सब एक वर्ष राम जी की अन्य जगहों पर लीला हुई। सो 13 वर्ष तक राम जी चित्रकूट में रहे, और चित्रकूट में रहकर जो भी लीलाएं हुई उसका वर्णन अरण्य कांड में वाल्मीकि ऋषि और गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि हम अरण्य कांड की कथा सुनेंगे, यद्यपि आप देखिए एक संजोग, यद्यपि राम जी ने 13 वर्ष चित्रकूट में बिताए, और वह 13 वर्ष चित्रकूट में बिताए, वो चित्रकूट की कथा अरण्य कांड में है, तो आश्चर्य की बात यह है कि 13 वर्ष राम जी ने जहां बिताए चित्रकूट में और उसकी कथा अरण्य कांड में है, वो अरण्य कांड सबसे छोटा कांड है। 13 वर्ष राम जी जहां पर रुके वो सबसे छोटा, बहुत संक्षिप्त में गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया। इस अरण्य कांड में 46 दोहे हैं मात्र, 46 दोहे और उससे जुड़ी हुई चौपाई। तो देखा जाए तो अरण्य कांड बहुत छोटा है, लेकिन छोटा होते हुए भी इसका प्रभाव बहुत मोटा है। हम वृंदावन में राधा रमन लाल को देखते ना, हमारे राधा रमन लाल देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन प्रभाव उनका बहुत विशाल है। सो वैसे अरण्य कांड बहुत छोटा है, लेकिन उसमें होने वाली लीलाएं 13 वर्ष की हैं, इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। ये 13 वर्ष, अब मैं प्रश्न होगा कि गोस्वामी जी ने इस अरण्य कांड को इतना छोटा क्यों रखा, इतने संक्षिप्त में गोस्वामी जी ने वर्णन क्यों किया, क्योंकि इन 13 वर्ष में भगवान रामचंद्र की माधुर्य प्रधान लीला हुई चित्रकूट में। अरण्य कांड में राम और सीता रहते थे और वहां माधुर्य प्रधान लीला हुई, और गोस्वामी तुलसीदास जी ठहरे दास भाव के भक्त। सो जो दास भाव के, जो दास्य रस में डूबा हुआ है, वो अपने प्रभु के माधुर्य का वर्णन कैसे इतना विशाल रूप से करेगा, है? इसलिए उन्होंने बड़े संक्षिप्त में लीला लिखी। लेकिन हाँ, जो लीला कृष्ण राधा रानी के साथ करते हैं, जो लीला कृष्ण व्रज वृंदावन में करते हैं माधुर्य लीला, वो लीला राम जी अरण्य कांड में माता सीता जी के साथ किए। क्या है अब हमारे कृष्ण राधा जी के विषय में क्या वर्णन है? जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। गाइए, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, जय राधा
माधव जय कुंज बिहारी। राधा और कृष्ण जैसे ब्रज वृंदावन में यमुना के तट विहार करते हैं, उसी प्रकार चित्रकूट में रहते हुए राम जी और सीता जी की माधुर्य लीला हुई, वहां राधा कृष्ण यमुना विहारी और यहां सीताराम मंदाकिनी विहारी, पयश्विनी तट विहारी। वहां राधा और कृष्ण गोवर्धन की तलटी में लीला करते हैं, तो यहां चित्रकूट में सीताराम जी कामदगिरी विहारी, कामदगिरी पर्वत की तलेटी में विहार करते हैं, प्रमोद वन में विहार करते, वहां वृंदावन में विहार करते हैं, तो यहां पर सीताराम जी प्रमोद वन में विहार करते हैं। बड़ी गूढ़ बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग नया नया सुनने के आदि हो चुके हो और इतनी मेहनत करके आते हो। एक रहस्य की बात कहूंगा, जैसे पिछली कथा में आपने सुना ना कि रामायण शत कोटि अपारा, 100 करोड़ लोगों ने रामायण लिखी है, इनमें से कुछ रामायण बड़ी प्रसिद्ध, 108 रामायण का जिक्र गत कथा में हमने किया था। उनमें से एक रामायण है अवध विलास, हमारे मिथिला और अयोध्या के रसिक संतों ने एक बहुत सुंदर रामायण लिखी अवध विलास। इस अवध विलास ग्रंथ में, मैं ग्रंथ का नाम लेकर प्रमाणित करके आपको बता रहा हूं, सो राम रसिक भक्तों ने, मिथिला और अवधवासी के भक्तों ने एक सुंदर ग्रंथ लिखा और उसमें उन्होंने एक रहस्य लिखा कि राम जी चित्रकूट में सीता मैया के साथ 13 वर्ष रहे, उन 13 वर्ष में उन्होंने क्या किया। तब इन रसिक भक्तों ने कहा कि राम जी ने उन 13 वर्ष में सीता जी के साथ रास लीला की। सीता जी के साथ, आप क्या जानते हो, वो ग्रंथ में ऐसा लिखते हैं, आप क्या मानते हो कृष्ण ही रास करते हैं? नहीं, राम जी रास करते हैं। तब कुछ लोग के दिमाग में होगा राम जी रास लीला, मर्यादा पुरुषोत्तम रास, अरे हम लोग साधारण भक्त हैं फिर भी नवरात्रि के दिन डांडिया लेकर नहीं रास करते हैं। तो सीता राम जी इतने आदर्श गृहस्थ हैं और चित्रकूट में हैं, सुंदर वन है, तो क्यों रास नहीं किए होंगे। जब ग्रंथ में मैंने ये पढ़ा, जब मैंने ये सुना, तो मैंने इमेजिन किया राम जी और सीता जी रास करते होंगे तो मतलब क्या गाते होंगे। तो मेरे मन में ये भावना उठी, राम जी गाते होंगे, हे मारो हे मारो चित्रकूट छे रूडो सा साकेत नहीं रे आओ, हे मारो चित्रकूट छे रूडो साकेत नहीं रे आओ, ए ना लाल रे साकेत नहीं रे आऊं, हे मारो चित्रकूट छे रूडो, हे मारो चित्रकूट छे रूडो साकेत नहीं रे आऊं, हे मारु चित्रकूट छे रूडू साकेत नहीं रहा हूं।
ये जस्ट मेरा इमेजिन है, लेकिन संतों ने ऐसा लिखा कि राम जी सीता माता के साथ चित्रकूट में 13 वर्ष रास किए। ठीक है, 13 वर्ष। अच्छा, तो उन संतों ने लिखा अवध विलास में कि राम जी ने कितना रास किया, उन 13 वर्ष में सीता जी के साथ कितना रास किए। बोले 99 रास किए। कितनी बार राम जी सीता जी के साथ चित्रकूट में 99 बार रास किए, और 100वीं बार रास चल रहा था। जब 100वीं बार रास चल रहा था, आधा रास हो चुका था, उस आधा रास हो चुका था और सीता जी थोड़ी सी विश्राम कर रही थी, और उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत आया और सीता जी के चरणों में चंचुपात किया और सब कुछ रास को डिस्टर्ब कर दिया। तो कितना रास किया राम जी ने सीता जी के साथ? 99 प्लस हाफ, 99.5 रास किया राम जी ने सीता जी के साथ। तो अवध विलास में लिखा है कि 99.5 रास राम जी ने सीता जी के साथ किया, जो आधा रास बाकी रहा वो भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण किया। मतलब कन्हैया ने तो केवल आधा ही किया, बाकी 99.5 रास जो है वो राम जी ने किया। खैर, राम जी ने जो रास किया वो रहस्य में रह गया, और कृष्ण ने जो वो आधा रास परिपूर्ण किया वो प्रकट रूप से प्रकाशित किया, क्योंकि कृष्ण पूर्ण ईश्वर है। और क्योंकि कृष्ण ने ये पूर्ण किया, एक बात तो सत्य है, जो आदमी पूर्ण करता है ना उसी की महिमा गाई जाती है। जैसे कोई नारियल है, श्रीफल, ये भाई जरा श्रीफल फोड़ तो वो ऐसे फोड़ता है, नहीं फूटता। तो फिर दूसरा आदमी आता है, तू ट्राई करके देख, दूसरा फोड़ता है, नहीं फूटता। तीसरा आता है, तू देख, तीसरा फोड़ता है, नहीं फूटता। चौथे से नहीं फूटता, पांचवा आता है, वो फोड़ता है, फूट जाता है। अब क्या श्रीफल पांचवे आदमी से फूटा है? नहीं, हाँ फूटा पांचवे से, लेकिन वो चार ने जो मारा ना वो सपोर्ट में था, वो एक एक करके चार ने ढीला किया तब जाकर पांचवे से फूटा। लेकिन महिमा किसकी बढ़ेगी? पांचवे की बढ़ेगी। हाँ भाई, पांचवे ने फोड़ दिया, महिमा पांचवे की बढ़ेगी, लेकिन आगे चार ने मेहनत की है उसे ठुकराया नहीं जा सकता। सो राम जी ने 99.5 रास किए, आधा जो बाकी था वो कृष्ण ने पूर्ण किया, लेकिन महिमा कृष्ण की बढ़ गई, क्योंकि अंतिम उन्होंने किया, परिपूर्ण उन्होंने किया। सो इस प्रकार से तो प्रश्न ये भी होता है कि तो रामायण में रास लीला का वर्णन विस्तार से क्यों नहीं? कारण यही है कि तुलसीदास जी दास भक्ति में है, दास्य भक्ति में पूर्ण रूप से सराबोर है, और जो दास भाव में होता है वो भगवान को अपना स्वामी मानता है और सीता जी को, राधा जी को अपनी माता मानता है। सो अपने माता पिता के माधुर्य को कैसे प्रकट कर सकते हैं? लेकिन फिर भी उस दास भाव में रहकर भी तुलसीदास जी से 2 चौपाई माधुर्य रस में निकल ही गई। बहुत कंट्रोल किया, दास भाव में थे, सब कुछ था, लेकिन राम जी के उस माधुर्य लीला की 2 चौपाई तुलसीदास जी के मुख से प्रकट हो गई, और वह 2 चौपाई हमारे अरण्य कांड का ओपनिंग है। सो आज से हम अरण्य कांड की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, और जिस अरण्य कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी माधुर्य लीला 2 चौपाई में माधुर्य का वर्णन करते हैं, और फिर बहुत प्रकार की लीलाएं इस अरण्य कांड में हैं, हम ये सब सुने उसके पहले राम जी का स्मरण करें, राम जी का कीर्तन करें, राम जी से प्रार्थना करें, ताकि इन लीला को, इन कथाओं को हम बड़े भाव से, आनंद से समझ सके और सुन सके। राम चरण रति जो चहे अथवा पदा
निरवान भाव सहित सो यह कथा भरो श्रवण मूट कान भरो श्रवण मूट कान श्री राम जय राम जय जय कौशल्यानंदन सीताराम कौशल्यानंदन सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम भद्रगिरीश्वर राजा राम भद्रगिरीश्वर राजा राम भद्रगिरीश्वर राजा राम गंगा तुलसी शालीग्राम गंगा तुलसी शालीग्राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि Krishna Hari Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि
जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हो हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा 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 राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय श्री श्री राधा गोविंद, आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, राजा राम पतित पावन सीता राम, राजा राम राजा राम पतित पावन सीता राम, बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, हाँ
जय गौर निताय, जय शिशि गौर निताय, आहा प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद शिल प्रभु पद प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के श्री राधा गोविंद भगवान के श्री रामचंद्र भगवान के कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये सियाराममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा नीर मलमति पावऊं मनोजवं मा रुततुल्य वेगम् जीतेन्द्रियम्बु धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीगुरुचरणसरोजरज
निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहूं हरहूं कलेश विकार प्रसन्ना तमया गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंद नस्य मे सदास्तु सामन जो मंगल प्रदा नीलाम्बुज मलको मलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महाशा यक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम ओम नमो भगवते रामचंद्राय ओम नमो भगवते रामचंद्राय ओम नमो भगवते रामचंद्राय हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो स्वागत है उपस्थित सभी वैष्णवों का इस अमृत चर्चा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में, जहां पर हम सब एकत्रित होकर पुनः हमारी जो धारावाहिक है प्रभु श्री राम की लीला कथा को श्रवण करने हेतु समस्त वैष्णवों का हम स्वागत करते हैं। विशेष स्वागत और धन्यवाद करते हैं हम श्रीमान लाल गोविंद जी का कि वे अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सबके समक्ष उपस्थित होकर इस प्रकार अमृत चर्चा के माध्यम से पुनः हम सबको कृतार्थ करने हेतु आज एक और नई कथा एक और नए प्रसंग के साथ में हमारे बीच में उपस्थित हैं। और साथ ही साथ हम धन्यवाद करते हैं हमारी इस भागवत कथा के ऑर्गेनाइजर भक्तों का, हमारे तालम परिवार तथा कुंचुम परिवार जो कि बैंगलोर से स्थित है उनका एवं श्रीमान लाल गोविंद जी का हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हुए अभिवादन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। और साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं हमारे इस अमृत चर्चा परिवार के सभी कथा प्रेमी भक्तों का जो कि फिर से इस कथा को श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं हमारे इस अमृत चर्चा फैमिली में। सो आप सबका स्वागत और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एज़ वेल। और साथ ही साथ हम विशेष स्वागत करते हैं उन वैष्णवों का जो कि प्रथम बार इस प्रकार भागवत कथा के माध्यम से हमारे समक्ष इस फैमिली में जुड़े हैं, आप सबका भी विशेष स्वागत और धन्यवाद। और निवेदन है आप सभी को कि यदि आप प्रथम बार ही हैं और चाहते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम आपको आने वाले दिनों में पूर्व से ही प्राप्त हो जाए जिससे कि आप हमारे साथ में जुड़ सको, उसके लिए हमारे बहुत सुंदर
परफेक्ट सेवा के जो डिवोटीज है उन्होंने इस सेवा को हाथ में लिया है कि जिससे कि वे उन समस्त वैष्णव को जो कि आने वाले समय के लिए हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं या इस प्रकार कथाएं प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें विशेष इस नंबर के माध्यम से वो सेवाएं प्रदान करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको भी ये सेवाएं प्राप्त हों तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा जिससे कि आप आने वाले समय की उस समस्त सेवाओं को प्राप्त कर सके। सो जो नंबर है दैट इज 7567567530। इस नंबर पर अपना नाम, नंबर, ईमेल तथा लोकेशन व्हाट्सएप कीजिएगा जिससे कि आप आने वाले समय की समस्त उन प्रसंगों को या इस प्रकार की कथाओं को पूर्व से ही प्राप्त कर सके। और साथ ही साथ हमारे जो फेस्टिवल्स आते हैं या फिर इस प्रकार के कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट्स होते हैं तो उसमें भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। सो प्लीज नोट दिस नंबर सो दैट यू कैन बी अपडेटेड। एंड साथ ही साथ यदि आप यूट्यूब के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन करें हमारे उन समस्त YouTube श्रोताओं को कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि आप आने वाले उन समस्त कार्यक्रमों की सूचनाएं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सके। जैसे इस प्रकार के कार्यक्रम लाइव होते हैं तो आपको इसकी सूचनाएं सर्वप्रथम प्राप्त हो जाती है, इसीलिए आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप इस पेज को लाइक करके हमारे जो कोविन टीवी की जो एफर्ट है उसका भी उत्साह वर्धन कर सकते हो। एंड विद दैट यदि आप इसे शेयर करेंगे तो हमारे ही जैसे और भी जीव हैं जो कि भगवान की भक्ति के विहीन अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और वास्तव में वे दुखी हैं तो ऐसे लोगों को भी हम मदद कर सकते हैं, उनको इस प्रकार कथा से अवगत कराते हुए, भगवान से परिचय कराते हुए। तो हम सबसे अनुरोध है इसलिए आप कृपया इसे अवश्य शेयर करें ताकि वे लोग इसका लाभ ले सके। और साथ ही साथ यदि आप फेसबुक के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं तो आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस फेसबुक पेज जिसका नाम भी है श्री लाल गोविंद दास, इस फेसबुक पेज को अवश्य लाइक कीजिएगा जिससे कि हमारे कोविन टीवी के एफर्ट्स पे उनको एक मोटिवेशन प्राप्त हो। और उसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि आपको आने वाले कार्यक्रम भी इस प्रकार फेसबुक में नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहे तो आप इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले समस्त कार्यक्रमों की नोटिफिकेशन प्राप्त होती जाए। और साथ ही साथ अनुरोध है कि आप इसे शेयर भी करें ताकि हमारे जैसे हम लोग लाभ ले रहे हैं कथा में जुड़कर। आज कुछ भक्त हमारे साथ में कई समय से हैं, कुछ भक्त रिसेंटली जुड़े हैं, सम और अदर दे केम इन कॉन्टेक्ट विद दिस चैनल और दिस पेज सो दैट उनके जीवन में ये परिवर्तन प्राप्त हुआ है। हम सबको हम देख रहे हैं जिसको हम नोटिस कर रहे हैं। तो ऐसे ही और भी जीव हैं जो कि कृष्ण भक्ति के विहीन अपने जीवन को इस प्रकार व्यतीत कर रहा है कि बड़े दुखी अवस्था में है, तो हमारे पास जो है हम उसे दे सकते हैं सो दैट वे भी इस प्रकार अपनी उस दुखमय अवस्था से ऊपर आ सके। सो ये जो भागवत कथाएं हैं इसको भागवतम में भवाऔषधि कहा गया है। ये समस्त इस जीवन में इस इस ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो वह इसको ठीक कर सकती हैं, वो है भगवान की कथा। तो इस भगवान की कथा को लोगों में शेयर करें ताकि वह इसका लाभ ले और अपने जीवन को धन्य करें। और आज इस कथा का प्रथम दिवस है तो बहुत ही सुंदर हमारे ये तालम परिवार तथा माधव फैमिली और कुंचुम फैमिली जो कि बैंगलोर से हमारे साथ में है और इस कथा जो कि 256 भागवत कथा है जहां पर हम प्रभु श्री राम की अरण्य कांड की कथा श्रवण करने वाले हैं। और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर आने वाली 4 अप्रैल तक हम इस कथा को श्रवण करने वाले हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भी इस प्रकार हमारे साथ में जुड़े और कथा के माध्यम से अपने जीवन को धन्य करें। और बहुत ही सुंदर पर्व है कल हमारे भारत के लिए, यहाँ पर रामनवमी है, प्रभु श्री राम का जन्मदिन है, तो इसी के उपलक्ष्य में हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है कि हम भगवान के जन्म के पूर्व ही भगवान की इस कथा को श्रवण कर रहे हैं जिससे कि हम उस दिन के लिए विशेष प्रिपेयर हो सके, उस दिन हमारा मनोभाव इस प्रकार से हम बनाए रखें जिससे कि हम पूरा जीवन भगवतमय व्यतीत कर सके। तो ये सुंदर अवसर हमें यहाँ पर मिलता है इस अमृत चर्चा परिवार के इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर सभी भक्त एकत्रित होकर जो फेस्टिवल आने वाला है उसको पूर्व से ही श्रवण करके उस फेस्टिवल को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं कि हम सब इसको स्मरणीय रख सके, स्मरण कर सके। तो बहुत सुंदर ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम
प्रसंग अनुसार भागवत कथा श्रवण करते हैं और अपने जीवन में भक्ति की ओर क्रमश आगे बढ़ते हैं। तो ये सुंदर व्यवस्था और इस प्रकार हमारे जो ऑर्गेनाइज्ड फैमिलीज हैं, दे हैव सच अ वंडरफुल फेथ इन कृष्णा और भगवान की कथा में उनकी श्रद्धा है, जिससे कि वह इतना सुंदर कार्यक्रम में सहयोग करते हैं, आयोजन करते हैं, जिससे कि हम सब लाभ ले पा रहे हैं। तो ऋणी है, धन्यवाद करते हैं इन परिवार का। और विशेष जैसे हमने गत कथा में श्रवण किया कि कैसे हमारे जो बाली परिवार था, हमारे विशेष पिता माता जी, सी हैड सी वाज सपोज्ड टू एंटर इनटू गृहस्थ आश्रम, सो उनकी इच्छा थी कि हम इस प्रकार भगवान की यह सुंदर कथा सुने, भगवान के विवाह की कथा श्रवण की प्रथम प्रसंग के अनुसार। और साथ ही साथ यहाँ पर हम जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सो दिस कथा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर तालम परिवार, जो कि हमारे पुष्पा माता जी बैंगलोर से हैं। उनके पिताजी और माता जी बैंगलोर में कस्टम है, मतलब उनकी कास्ट में, व्हेन अ पर्सन क्रॉस ओवर 80 इयर्स दे सेलिब्रेटेड कॉल्ड दैट शताभिषेकम। तो इसी प्रसंग के अनुरूप इसी ओकेजन को लेकर यहाँ पर उन्होंने इस सुंदर कथा का आयोजन किया है। हमारे लिए कोई भी प्रसंग हो, हमारे लिए तो ये प्रसंग है कि हम सब यहाँ पर बैठकर भागवत कथा श्रवण कर सके। तो बड़ा भाव है भक्तों का कि वे इन समस्त तीनों प्रसंगों को लेकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं भगवान की इस कथाओं के माध्यम से, जिससे कि ना कि वह स्वयं उनकी फैमिली, परंतु अन्य लोग भी इसका लाभ ले रहे और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। सो वेरी ग्रेटफुल एंड इंडेप्टेड टू दिस वंडरफुल फैमिली, हमारे विशेष जगन्नाथ सेट्टी प्रभु जी और उनका संपूर्ण परिवार, जिनके इस सुंदर मनोरथ के कारण वह हम सब यहाँ पर भगवान के इस जन्म दिन के उपलक्ष में, जो कि कल आने वाला है, यहाँ पर हम सब इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो हम सब चाहेंगे कि आप हमारे इस अमृत चर्चा फैमिली को भी उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा, हमारे इस थालम परिवार और कुंचुम परिवार जो कि बैंगलोर से स्थित है, उनके लिए विशेष के इस प्रकार के आयोजन कराते रहे और हम सब यहाँ पर घर पे बैठकर भगवान के इस दिव्य प्रसंग को श्रवण करें। और साथ ही साथ इन प्रश्नों के लिए हम भी प्रार्थना करेंगे कि इनका ये जो परिवार है इसी प्रकार फलता फुलता रहे और भक्ति में आगे बढ़े। तो आइए महामंत्र के द्वारा इनका एक बार फिर से अभिवादन करें हम सब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आइए हम सब इस सुंदर कथा जिसका प्रभु जी ने प्रारंभ कर चुके हैं निवेदन करें उनको, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की कृपा पात्र श्री श्रीमान लाल गुरु प्रभु जी को, कि इस प्रथम दिवस की कथा को वह हम सबको श्रवण कराए। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले राम कथा रसिक समस्त वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, गोविंद टीवी, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से
इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं 356 ये 356वीं भगवत कथा का आयोजन करने वाले पुष्पा तालम परिवार, तालम परिवार ना, जैसे कि अमित नारायण प्रभु ने कहा, इनके पिताजी के 80 वर्ष समाप्त हुए और इस पावन तिथि में श्री सी एन जगन्नाथ शेट्टी जी और सी जे गीता जी, इनके भगवत प्रेम भगवत भक्ति कामना हेतु समस्त परिवार साईराम प्रसाद, श्री गुरु प्रसाद, शिव कुमार जी, उमा जी, शरण जी, शिल्पा जी, ये सुंदर भगवत कथा का आयोजन किया। सो आप सभी भक्तों का श्री राम कथा के प्रथम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। जय सिया राम। कल राम जी का जन्मदिन है, सो राम जी के जन्म की कथा, उनके बाल्य अवस्था की कथा कुछ देर कल श्रवण करेंगे। आज जो पाठ मांडा है अरण्य कांड का, हम इसे प्रारंभ करें उसके पूर्व हमारी इस कथा के यजमान माता जी के, क्योंकि वे बहुत कथाएं सुनती है ना, जो ज्यादा सुनता है, जो वास्तव में ज्ञानी होता है, उनके मन में प्रश्न भी बहुत होते हैं, जिज्ञासा भी बहुत होती है। किसी क्लासरूम में आप जाओ और किसी टीचर को पूछो कि आपके क्लास में सबसे बुद्धिमान स्टूडेंट कौन है, तो टीचर उसी स्टूडेंट को कहेंगे कि जो ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, ज्यादा जिज्ञासा करते हैं। हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनि की यही तो परंपरा है कि कोई जिज्ञासु जिज्ञासा करते हैं और कोई साधु ऋषि मुनि, कोई प्रेमी, कोई भक्त उसका उत्तर देते हैं और वही प्रश्न और उत्तर जनता के लिए बहुत बड़े प्रेम और भक्ति का मार्ग बन जाता है। तो आखिर ये शास्त्र, ये ग्रंथ किसी ना किसी के संवाद के रूप में ही प्रस्तुत किए गए हैं। सो हमारे यजमान श्री कर्नाटक से हैं, बेंगलोर से हैं, श्री पुष्पा जी का, पुष्पा तल्लम जी का ये प्रश्न है। इन्होंने 7 प्रश्न पूछे हैं, जैसे महाराज परीक्षित ने ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछे थे ना, वैसे इनके 7 प्रश्न हैं। जब मैं इनसे मिला तो ये माता जी जिज्ञासा कर रही थी, मैंने कहा बहुत अच्छी जिज्ञासा है आपकी और इस जिज्ञासा का उत्तर देकर लेकर केवल आप ही लाभान्वित होंगे। एक काम करते हैं, यह जिज्ञासा हम सब के बीच में रखेंगे ताकि सब लोग यह प्रश्न और उत्तर का लाभ ले सके। सो यजमान श्री पुष्पा तालम जी ने प्रश्न किया है, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के समय गृहस्थ को कृष्ण से जुड़ने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? है? आ रहा है?
कुसुमिका जी आ रहा है? हाँ? मुझे नहीं आ रहा है। पहले प्रश्न समझिए। देखिए हम जब भी पढ़ते हैं तो एक एक शब्द परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के समय गृहस्थ को कृष्ण से जुड़ने के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो प्रश्न के अंदर मेरा और एक प्रश्न है कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के समय क्या जिसकी मृत्यु है उसको क्या तैयारी करनी चाहिए, ये प्रश्न है कि भाई जिसकी मृत्यु है उसके अलावा जो बाकी के लोग स्वस्थ है उसको क्या करना चाहिए, है ना? तो यहां दो प्रश्न बन जाते हैं ना। और फिर तीसरा प्रश्न क्या है कि यदि वो सन्यासी है तो उसके लिए क्या तैयारी, ब्रह्मचारी है तो क्या तैयारी, लेकिन यहां प्रश्न क्या है गृहस्थ को क्या तैयारी करनी चाहिए। तो इस पर तो पूरा भागवत हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं, केवल हम इसे संक्षिप्त में समझने का प्रयास करें। तो परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो और उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो स्वयं उस व्यक्ति को और उसके अलावा अन्य जो व्यक्ति हैं उसको क्या करना चाहिए, ठीक है ना, ये प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न एक बार महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा था। जब भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित पहुंचे, क्योंकि महाराज परीक्षित को पता चल गया कि मुझे 7 दिन में मरना है, और यहां पर प्रश्न भी तो ऐसा है कि मृत्यु के समय परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के समय उसे क्या तैयारी करनी चाहिए। तो महाराज परीक्षित का भी मृत्यु का समय निकट आ चुका था और महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी का मिलन हुआ और सुखदेव गोस्वामी के मिलते ही परीक्षित का पहला प्रश्न ये था कि हे सुखदेव गोस्वामी महाराज, मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, जिसकी मृत्यु निकट आ चुकी है उस व्यक्ति को भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, किम कर्तव्यम म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरने वाला है जो मृत्यु की शैया पर पहुंच चुका है, किम कर्तव्यम उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये प्रश्न किसके लिए है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मौत के मुख में है जो मरने वाला है उसके लिए क्या कर्तव्य है, उसे क्या जाप करना चाहिए, उसे क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। जब ऐसा सुनते हैं ना तो हम लोग क्या सोचते हैं जानते हैं, ये तो मरने वालों के लिए है ना, जो मरण शैया पर पहुंचा है जो अपनी अंतिम सांस गिन रहा है उसके लिए है, हम क्यों इसके बारे में सुने। लेकिन भक्तों ये मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु कहीं भी कभी भी आ सकती है, इसलिए हम सब लोग मौत के मुख में हैं, इसलिए तैयारी हम सबको करनी चाहिए, ये प्रश्न सबके लिए है। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, महाराज परीक्षित ने यह भी कहा कि सुखदेव जी स गोदोहन काल मात्रेण गृहेषु गृह मेधिनाम, मैं ये भी जानता हूं कि आप एक स्थान पर ज्यादा देर तक रुकते नहीं हो, लेकिन मेरा कल्याण कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। यह सुनकर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए और सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की प्रशंसा करते हैं। परीक्षित तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि इस संसार में जब कोई आपस में मिलते हैं तो क्या चर्चा होती है कि भाई अच्छा भोजन कहाँ मिलता है, अच्छी रेस्टोरेंट कहाँ पर है, अच्छा मूवी कौन सा लगा है, तूने ये साड़ी कहाँ से खरीदी,
तूने ये सेल में से खरीदी, वहां से खरीदी, यहां से लाया, वहां से लाया, शेयर बाजार का भाव क्या चल रहा है, क्रिकेट का स्कोर क्या चल रहा है। इस दुनिया में चर्चा करने लायक अनेकों बातें हैं, परंतु परीक्षित तुमने जो बात पूछी है उससे आत्मा का कल्याण होगा, न केवल आपकी अभितु संसार के समस्त जीवों की आत्मा का कल्याण होगा। तुम यही जानना चाहते हो ना, प्रश्न फिर से याद कर लीजिए कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के समय गृहस्थ को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी, कोई भी क्यों ना हो, जिसकी मृत्यु निकट है, जो मरने वाला है आज नहीं तो कल या 25-50 साल के बाद, उसे क्या करना चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक कहा, दो तीन बार महामंत्र बोलिए तब तक ये श्लोक प्रकट हो जाए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छतामभयम्, स्मर्तव्य इच्छतामभयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात् माने इसलिए, देयरफॉर, किस लिए, क्योंकि हम सब म्रियमाण है, क्योंकि हम सबको एक ना एक दिन मरना है, और कब मरना है कोई भरोसा नहीं है। और दूसरा इच्छताम अभयम, दूसरी लाइन के अंत में लिखा है हमारी इच्छा है, क्या इच्छा है, अभय प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण को, राम को, विष्णु को प्राप्त करने की। तो हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करके अभय बनना है, अभय पद को प्राप्त करना है, और तस्मात हम लोग मरने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, सबसे बड़ा कर्तव्य है पहले तो भगवान कौन है ये समझ लेना, हु इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी। तो यहां पर तीन संबोधन देते हैं, सर्वात्मा जो सबकी आत्मा है, जो सबके शरीर में सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, जो कण कण में ब्रह्म के रूप में स्थित है, जो सब जगह पर है, सर्व आत्मा, जो आत्मा की भी आत्मा है, जो परमात्मा है, वही भगवान है, वही सुप्रीम है। एक दूसरा भगवान जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, शशणाम भग इति गना, जिसमें परिपूर्ण बल है, सुंदर है, यश है, धन है,
जो पूर्ण है, तीसरा ईश्वर जो सबका कंट्रोलर है, जिसके इशारे से ये जगत और प्रकृति चलती है, और हरि जो अपने गुण रूप लीला से सबके मन को हर लेता है, जो मंगल भवन अमंगल हारी, जो जो भक्तों के अमंगल को हर लेता है। चार संबोधन, चार विशेषण, सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर और हरि, जो सबकी आत्मा है, परमात्मा है, जो भगवान माने षड ऐश्वर्य पूर्ण है, ईश्वर माने जो कंट्रोलर है, और हरि। ये चार विशेषण बताकर इतना तो क्लियर कर दिया कि यहां किसी बापू बाबा के ध्यान की बात नहीं हो रही है, यहां सुप्रीम पर्सनालिटी राम कृष्ण विष्णु की बात हो रही है। सो मृत्यु जो एक ना एक दिन मरने वाले हैं या मरण शैया पर है, उसे क्या करना चाहिए? उस भगवान श्री कृष्ण राम या विष्णु का दूसरी लाइन में श्रोतव्य, उस राम कृष्ण या विष्णु की कथा सुननी चाहिए, श्रोतव्य। ओके, फिर दूसरा कहते हैं कीर्तव्य, कीर्तितव्य। कीर्तितव्य माने कीर्तन करना चाहिए, बोलना चाहिए। उस राम कृष्ण विष्णु की कथा श्रोतव्य, सुननी चाहिए। कीर्तितव्यस्य, उनका कीर्तन करना चाहिए। और स्मर्तव्य, जब इस प्रकार से कहते हैं ना तो कुछ लोग कहते हैं हमने तो बहुत कथा सुन ली है भाई, है? श्रोतव्य, हमने कथा बहुत सुन ली, कीर्तन भी कर लिया, स्मरण भी कर लिया। तब उस उन लोगों के लिए यहां पर और एक पॉइंट बता दूं कि ये तीनों क्रिया जो है ना वर्तमान काल में बताई गई, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस में है। सुखदेव जी इसे वर्तमान काल में क्यों थे? श्रोतव्य माने सुनते रहना है, दो चीज है ना, आपको भगवान की प्राप्ति करने के लिए कथा सुन लेना है। यदि ऐसा बोला जाएगा तो क्या होगा, एक दो बार कथा सुन लेना है, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं कहा, श्रोतव्य माने सुनते रहना है, समझ में आ रहा है? गाय का दूध पिया होगा तो समझ में आएगा, मोटी बुद्धि हो गई है तो इतना नहीं समझ में आएगा। सुन लेना और सुनते रहना, जमीन आसमान का अंतर है। सुन लेना माने एक दो बार सुन लिया, हो गया, लेकिन यहां भागवत का श्लोक है भाई, और हमने जीवन में पहली बार गुरुदेव के मुख से यह श्लोक सुना था। जब से होश संभाला और गुरुदेव हमारे सामने आए और वे व्यासपीठ पर बैठे, तो उनको एक श्लोक पर प्रवचन करना था, उन्होंने भागवत खोला और यही श्लोक निकालकर टांग दिया। और फिर वो तो व्याख्या, और वो तो बहुत सुंदर। सो श्रोतव्य, वो तो एक एक पॉइंट बताते हैं ना, श्रोतव्य सुनते रहना है। सो कृष्ण कथा वर्तमान सुनते रहना, कीर्तितव्यस्य कृष्ण का कीर्तन करते रहना है, और स्मरतव्य और कृष्ण राम विष्णु का स्मरण करते रहना है। बस ये तीन चीज। इच्छताम अभयम, जो अभय की इच्छा रखते हैं, जो मुक्ति की, वैकुंठ की, भगवत प्रेम की इच्छा रखते हैं, उसे ये तीन चीज करते रहना है। कृष्ण कथा श्रोतव्य, कृष्ण कीर्तव्य और कृष्ण स्मरत। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कई बार कुछ लोग है ना भक्ति को बहुत गंभीर रूप में प्रस्तुत करते हैं, सोचते हैं ये हमसे नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं है। अभय बनना चाहते हो, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, ये तीन चीज करते रहो, दैट्स इट। कृष्ण राम विष्णु की कथा सुनते रहो, कृष्ण राम विष्णु का नाम लेते रहो, और कृष्ण राम विष्णु का स्मरण करते रहो। ये करते रहेंगे तो करते 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 हमारे मन में एक बहुत बड़ा संस्कार हो जाएगा, और फिर मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण रहेगा,
और भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम, इस कलेवर इस शरीर को त्यागते समय यदि हमारा मन भगवान में लगा है तो सीधे भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। तस्मात एतत् न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मृत्यु के समय भगवान का स्मरण तब होगा जब यहां लिखा है जीवन भर श्रोतव्य, जीवन भर कीर्तव्य और जीवन भर स्मर्तव्य। तो मृत्यु के समय डबल कंफर्म हो जाएगा, है ना। तो यहां माता जी का प्रश्न है कि मृत्यु के समय कृष्ण से जुड़ने के लिए गृहस्थ हो, सन्यासी हो या कोई भी हो, उसे क्या करना चाहिए? कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए और कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और केवल मृत्यु के समय ये करना चाहोगे तो कठिन हो जाएगा। यदि जीवन भर किया होगा तो मृत्यु के समय इजी हो जाएगा। तो ये जो अभी हम लोग रोज करते हैं ना, कृष्ण कथा का श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये मृत्यु के समय बहुत काम आएगा, है ना। जीवन में एक बार एग्जाम होती है, उसका प्रिपरेशन हम लोग रोज कथा सुनकर करते हैं। और भगवत कथा की महिमा में आपको बताऊं, कथा एक ऐसी चीज है जिसमें ये तीनों चीज हो जाता है। अभी आप कथा सुन रहे हो ना, ये कथा सुन रहे हो तो कथा में कुछ चीज ऐसी होती है जो आप पहली बार सुनते हो, ओके? कुछ चीज ऐसी होती है जो आप पहली बार सुनते हो। तो पहली बार जो सुनते हो ना, तो उसको कहते हैं श्रोतव्य, ओके? अब कुछ चीज ऐसी होती है जो रिपीट होती है ना। हर बार थोड़ी तीन घंटा और सात दिन और 365 दिन नया नया ही सुनोगे, कुछ तो रिपीट होगा ना। तो जब जो चीज आपने पहले से सुनी है और उसे दोबारा सुनते हो तो उसे स्मरण कहते हैं, वो स्मरण होता है। तो जब आप कथा सुनते हो तो कोई चीज, कोई कंटेंट नया सुनते हो तो वो श्रोतव्य की कैटेगरी में हो गया, श्रवण की कैटेगरी में हो गया। जो आपने सुना हुआ है उसे फिर से सुनोगे तब वो स्मरण की कैटेगरी में चला जाएगा। और सुना हुआ दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, बार बार रिपीटेशन होता है तो फिर मेरे बोलने से पहले आप नहीं बोल देते हो कभी कभी, कभी कभी मैं पीछे रह जाता हूं, आप लोग पहले हो जाते हो कि अब प्रभु जी ये बोलने वाले हैं, ये बोल देंगे, तो वो कीर्तन की कैटेगरी में आ जाता है। या फिर डायरेक्टली भी कीर्तन हो जाता है। कथा सुनते समय हम भगवान का नाम गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, तो डायरेक्टली भी कीर्तन हो जाता है। सो हमारा परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा के आश्रय में हैं। और इस भागवत के आश्रय में रहने के कारण, इस भागवत कथा सुनने के कारण सुखदेव जी ने मृत्यु को सफल करने के लिए जो तीन चीज बताई, ये तीन चीज हम रोज कर रहे हैं। सो आइए, मृत्यु को मंगलमय बनाने वाली भगवान की ये कथा है। इस कथा को दूसरी बार सुनो तो स्मरण हो जाएगा, बार बार सुनोगे तो कीर्तन हो जाएगा। तो श्रवण, स्मरण और कीर्तन कराने वाली ये सुंदर भगवत कथा, और क्योंकि कल राम जन्म है इसलिए हम सब राम जी के आश्रय में हैं, तो राम कथा, रामलीला हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और रामलीला सात भागों में बांटी गई, जैसे मैंने कहा, उनमें तीसरा भाग है, तीसरा सोपान है अरण्य कांड। हम सब अरण्य कांड की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब ने सुना कि अरण्य कांड जिसमें चित्रकूट में होने वाली लीलाओं का वर्णन है। राम जी 13 वर्ष तक चित्रकूट में रहे और वह राम जी के गोल्डन डेज थे, सीता मैया के साथ उनकी माधुर्य लीला वहां पर की। यद्यपि 13 वर्ष लीला की, परंतु माधुर्य लीला होने के कारण गोस्वामी जी विस्तार नहीं कर पाए,
क्योंकि वो दास भाव में थे। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी से नहीं रहा गया और गोस्वामी जी के मुख से दो चौपाई निकल गई। आइए राम जी की माधुर्य लीला की दो चौपाई हम लोग सुने और राम जी के इस अरण्य कांड की लीला को हम प्रारंभ करें। एक बार चुनी कुसुम सुहाये निज कर भूषण राम बनाये सीत ही पही राये प्रभु सादर सीत ही पहीरा ये प्रभु सादर ये बैठे फटिक शिला प्र सुंदर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। गोस्वामी जी कहते हैं ये अरण्य कांड का प्रारंभ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार, अब जब भी रामायण में एक बार और भागवत में एकदा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम, आप देखोगे भागवत में सुखदेव जी ने जहां पर भी कहा कि एकदा और रामायण में जहां कहीं भी कहा गया एक बार, इसका अर्थ यह है कि कुछ स्पेशल बात होने जा रही है, कोई विशेष प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत जी में हम लोग देखते हैं एकदा यशोदा माता के प्रसंग में वो दामोदर लीला का प्रारंभ कहां से होता है? श्रीमद् भागवत दशम स्कंद नौवा अध्याय एकदा ग्रह दासिशु यशोदानंद गेहिनी एकदा। और यहां पर भी गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर माधुर्य प्रकट करना चाहते नहीं है, वो उस भाव में है नहीं, लेकिन फिर भी हो गया। सो एकदा एक समय की बात। अच्छा, और एकदा शब्द से और एक चीज समझिए, एक बार का अर्थ ये भी होता है कि ये जो क्रिया है जो अब बताने जा रहे हैं ये बहुत बार हो रही है, मतलब ये चित्रकूट में 13 वर्ष रहे, उस 13 वर्ष में अनेकों बार इस प्रकार की घटना घटी, उनमें से एक बार। नहीं तो एक बार कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई ऐसा बहुत बार हुआ था उसमें से एक बार। तो राम जी ये लीला बहुत बार की है चित्रकूट में रहते हुए, उसमें एक बार। और बहुत बार की बात छोड़ो, भगवान राम की जो ये लीला है ना, नित्य लीला है, आज भी कहीं ना कहीं हो रही है। सो भगवान की लीलाओं में इति नहीं लगाया जा सकता, इति तो हम लोगों के जीवन में लगता है, फुल स्टॉप जो है ना हम लोगों के कार्यों में होता है, भगवान के कार्यों में कोई फुल स्टॉप नहीं होता, वो तो नित्य निरंतर चलती रहती है। सो भगवान राम और सीता जी की इस प्रकार की लीला अनेकों बार हुई, उनमें एक बार, इसलिए कहते हैं एक बार चुनी कुसुम सुहाये। एक बार क्या हुआ, भगवान रामचंद्र सीता जी के लिए फूल चयन करने लगे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। वैसे यूं तो राम जी के लिए सीता जी सेवा करती हैं, यूं तो रोज सीता जी राम जी के लिए फूल चयन करती हैं, राम जी के लिए माला बनाती हैं, हार पहनाती हैं, लेकिन आज एक बार
स्वयं राम जी ने चुनी, चुनी माने चुने, है ना, वो बगीचे में माली चुनता है ना, वैसे राम जी ने चुने, क्या चुने, कुसुम, कुसुम माने पुष्प, फ्लावर, फूल, और सुहाए माने सुंदर फूल राम जी ने चुने। सुहाए माने राम जी को ये चुनते हुए बड़ा आनंद हुआ, और उस पुष्प को भी सुहाए माने बड़ा आनंद हुआ, अपने आप को तोड़ने में भी, क्योंकि राम जी तोड़ रहे हैं। अब सिद्धांत देखिए, इतने पॉइंट पर कितना बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत होता है। राम जी भगवान है और सीता जी उनकी सेविका है। धर्म तो सीता का बनता है ना कि वे सेवा करे और राम जी के लिए फूल तोड़े, लेकिन राम जी ने देखा कि ये सीता रोज मेरे लिए फूल चयन करती है, जो मेरे लिए भाव से, प्रेम से, दिल से सेवा करता है, उन सेवकों की सेवा मैं अपने हाथों से करता हूं। भगवान के मन में हो गया कि मैं भी सीता की सेवा करूंगा, और गीता में सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जिस प्रकार से मेरी सेवा करता है मैं भी उनकी वैसे ही सेवा करता हूं। सो राम जी सीता जी के लिए कुसुम फूल चयन करने लगे, और अपनी सेवा के लिए भगवान स्वयं भक्तों को चुनते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि भगवान फूल चयन कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं, ये फूल नहीं लेना है, ये लेना है, ये छोड़ दो, ये लेना है। सो भगवान स्वयं फूल चुनते हैं। सो भगवान को जब सेवा चाहिए तो भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों में कौन अच्छी सेवा करता है, जो अच्छी सेवा करता है उसे भगवान स्वयं चुनते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि हम भगवान की सेवा में लगे हैं तो आप ये मत समझो कि हमने सेवा चुनी है, ये समझो कि भगवान ने हमको चुना है सेवा करने के लिए, ये महिमा भगवान की है। सो भगवान स्वयं चुनते हैं कि किसे सेवा में लिया जाए, किसे छोड़ दिया जाए। ओके, अब यहां पर देखिए कि निज कर भूषण राम बनाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। राम जी कुसुम फूल को चुन रहे हैं। अब कुसुम को और एक शब्द में सुमन कहते हैं, फूल। तो राम जी किसको चुन रहे हैं, सुमन चुन रहे हैं। सुमन माने सुंदर मन है जिसका, उसे सुमन कहते हैं। भगवान राम उसी भक्त को चुनते हैं जिसका मन सुंदर होता है, जिसके मन में पाप है, जिसके मन में दोष है, भगवान को वो पसंद नहीं है। तो सुमन सुहाए, भगवान सुमन को ही सिलेक्ट करते हैं, सुंदर मन वाले को ही सिलेक्ट करते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, दुनिया वाले हमारे कार्य देखते हैं, भगवान हमारे कार्य नहीं, हमारा मन और मन में उठने वाला भाव देखते हैं। इसलिए दुनिया को ठग सकते हैं हम, बाहर से एक्टिंग करके, बाहर से थोड़ा बहुत दिखाकर दुनिया वालों को ठगा जा सकते हैं, और दुनिया वाले यही तो चाहते हैं, लेकिन भगवान को नहीं ठग सकते, क्योंकि भगवान को बाहर से कोई मतलब नहीं है, अंदर से हमारा भाव, हमारा मन कैसा है। तो भगवान एक बार चुनी कुसुम सुहाए, भगवान सुमन को चुन रहे हैं। सुमन को चुनना माने सुंदर मन है जिसका, उसको भगवान राम चुन रहे हैं। ओके, तो फिर मन में प्रश्न होगा कि सुंदर मन कैसे होगा, क्योंकि भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं मन मुझे दे दो, तो इतना थर्ड क्लास का मन थोड़ी हम भगवान को दे सकते हैं। भगवान को कुछ देना है, चढ़ाना है, तो सुंदर मन होना चाहिए,
पवित्र मन होना चाहिए। तो मन पवित्र कैसे होगा? मन पवित्र करने का उपाय है नवधा भक्ति। श्रवणम, कीर्तन, स्मरण, वंदन, ये नवधा भक्ति और प्रभु की सेवा, ये दो चीज करने से हमारा मन पवित्र होगा। और जब मन पवित्र होगा तो राम जी, आप इमेजिन कीजिए, चित्रकूट में बगीचे में वैसे फूल चयन कर रहे हैं ना, वैसे हमको भी चुन लेंगे। हाँ बलदेव भाई, आप लगभग अमृत चर्चा वाले सबको चुन लेंगे। मधुसूदन प्रभु भले कार में बैठे लेकिन वहां से भी उठा लेंगे भगवान, सबको चुन लेंगे। तो चुनते समय भगवान क्या देखते हैं? सुमन, सुंदर मन, अच्छा मन किसका है? भक्तों, एक तो संकल्प करना ही है कि चाहे कुछ भी हो, हम हमारा मन पवित्र रखेंगे, हम मन से पवित्र रहेंगे, मन में किसी के प्रति राग, द्वेष, दोष, ईर्ष्या आदि नहीं करेंगे। इस प्रकार से और एक अर्थ आचार्य ने बहुत सुंदर कहा कि स्वयं भगवान रामचंद्र एक बार चुनी कुसुम सुहाए। भगवान राम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए, फूल चयन कर रहे हैं, फूल खींच रहे हैं, राइट? फूल को सुमन कहते हैं, सुमन को बगीचे से खींच रहे हैं। तो फूल अपने आप राम जी के पास नहीं जा रहे, राम जी फूल को खींच रहे हैं। चुनी माने चुनना, खींचना। तो भगवान रामचंद्र उस सुमन को खींच रहे हैं। तो राम और कृष्ण ऐसे ईश्वर हैं जहां हमें हमारे मन को नहीं लगाना पड़ता, ये कृष्ण और राम हमारे मन को खींच लेते हैं। राम जी की लीला कुछ ऐसी है, भगवान कृष्ण की लीला कुछ ऐसी है कि थोड़ा सा हम प्रयास करें तो राम और कृष्ण ही हमारे मन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, चुन लेते हैं। ओके, चलो हम आगे बढ़ें। भगवान रामचंद्र उस पुष्प को, उन फूलों को चयन करके क्या करते हैं, उसे खींचकर सीता जी के लिए माला बना रहे हैं। निज कर भूषण, अपने हाथों से वो सोई दोरा, सोई होती है ना, उसमें दोरा डालकर राम जी कोने में बैठ गए और खुद सीता जी के लिए माला बनाने लगे। सो निज कर भूषण राम बनाए, और बनाकर क्या किया, सीत ही पहिराए। दूसरी लाइन में अपने हाथों से माला बनाकर सीता जी के गले में प्रभु स आदर, आदर के साथ सीता जी को वह माला पहना दी। मैं तो कहूंगा फूलों को जो गति मिली, ये दुनिया में सबसे ऊंची गति है, सबसे ऊंची गति है। भगवान अपने भक्त को अपनी प्रिया की सेवा में लगा दे, ये सबसे बड़ी गति है। शिव जी ने एक बहुत सुंदर स्तोत्र लिखा, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, आप लोग जानते होंगे। ऐसा कहते हैं, राधा कुंड के तट पर बैठकर यदि कोई ये स्तोत्र पढ़ता है तो इसे साक्षात राधा रानी का दर्शन होता है। ये शिव जी के द्वारा लिखा गया, बहुत सुंदर है, भक्त लोग इसे गाते भी हैं। मुनिन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। गाइए। मुनिन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। वजेंद्र भानु नंदिनी वजेंद्र सुनु संगते कदा करिष्यसि हमाम
कृपाकटाक्षवायनम्। प्रत्येक श्लोक में कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम्, हे श्रीमती राधा रानी कब आप हम पर कृपा कटाक्ष करोगी, कृपा कटाक्ष का हमको भाजन भाजन बनाओगी। और फिर प्रत्येक श्लोक में श्रीमती राधा रानी की महिमा बताई। हमें इसमें नहीं जाना है, इसके अंतिम श्लोक में शिव जी ने बहुत सुंदर कहा, 19वें श्लोक में राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के अंत में क्या कहा, कहते हैं नित्य लीला प्रवेशम च ददाति श्री व्रजाधिपः अतः परतरम प्रार्थ्य वैष्णवस्य न विद्यते। एक वैष्णव के लिए श्रीमती राधा रानी की सेवा करना अतः परतरम, इससे मतलब क्या कहेंगे, परतर एक होता है परम, परतम और परतर, तो अतः परतरम इससे उत्तम, इससे बड़ा वैष्णवस्य वैष्णव के लिए न विद्यते, और कुछ नहीं है। किससे बड़ा, श्रीमती राधा रानी की सेवा करने से बड़ा। तो इस दुनिया में एक भक्त के लिए सबसे बड़ी सिद्धि, सबसे बड़ी बात क्या होगी, प्रिया जी की सेवा, सीता जी की सेवा, राधा रानी की सेवा। सीता जी के अनुगत्य में, राधा रानी के अनुगत्य में रहकर सेवा करना, ये भक्त के लिए सबसे बड़ी सिद्धि मानी जाएगी। और यहां पर क्या कहा गया, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, स्वयं रामचंद्र अपने हाथों से फूल चयन करके सीता जी की सेवा में लगा रहे हैं। अब सुहाए शब्द से यह भी समझना होगा कि अनेकों भाव वाले भक्त हैं, भगवान उस भिन्न भिन्न भाव वाले भक्तों को ले लेकर सीता जी के माला में लगा रहे हैं। जब राम जी पुष्प चयन कर रहे थे ना, तो पुष्प अपने से आगे आ रहे थे। गत सदा कथा में आपने सुना ना कि धनुष अपने आप ऊपर हुआ, राम जी ने केवल हाथ आगे किया, धनुष अपने आप ऊपर हुआ। वैसे यहां भक्त अपने से, वो पुष्प जो है अपने से राम जी के पास आ रहे हैं। इन पुष्पों से सीखिए कि जब प्रभु की सेवा का अवसर होता है ना, तो अपने आप से आगे आना चाहिए। बेचारे साधु संत महात्मा पीछे पड़ जाते हैं कि भाई सेवा करो आपका कल्याण होगा, लेकिन अपने से आगे आना चाहिए। वो पुष्प अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ पुष्प होते हैं जो बिना सेवा के ही मुरझा जाते हैं। तो कोई पुष्प टूटता तो है, लेकिन किसी नेता फेता के गले में चला जाता है, नेताओं को भी पुष्प की माला पहन। तो कोई पुष्प वो अमेरिका में क्या कहते हैं, बुके में चला जाता है। तो कोई पुष्प किसी की शमशान यात्रा में चला जाता है। किसी पुष्प को कोई हाथी कुचल देता है, लेकिन धन्य है वो पुष्प जो स्वयं भगवान से हाथ से चुने जा रहे हैं और सीता जी की सेवा में लगने वाले हैं। तो भगवान रामचंद्र अपने हाथों से उस पुष्प की माला बनाए और सीत ही पहनाई प्रभु सादर, और बड़े आदर के साथ सीता जी को पहनाते हैं। रोज सीता जी माला पहनाती थी, लेकिन आज राम जी स्वयं सीता जी को पुष्प की माला पहनाए। इसका एक कारण यह भी है कि राम जी ने सोचा कि अब तक जो भी समर्पण किया मैंने किया, लेकिन अब आगे आने वाली लीलाओं में सीता जी को समर्पण करना है, और जो भक्त मेरे लिए अपना समर्पण करता है उसकी सेवा मैं स्वयं अपने हाथों से करता हूं। राम जी अपने हाथों से पुष्प की माला बनाकर यह भी दिखा रहे हैं कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, भले हम लोग राजमहल से निकाल दिए गए हैं, वन में रह रहे हैं, झोंपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख नहीं है। हम लोग इतनी गरीबी में रहकर भी हम परम सुखी हैं। सो इस प्रकार से राम जी
सीता जी की सेवा कर रहे हैं। अब सेवा करते समय राम जी पूर्ण मर्यादा में, लक्ष्मण जी उस समय कुछ काम के लिए बाहर गए थे और राम जी मंदाकिनी के तट पर सीता जी के गले में पुष्प माला डाले हैं और बहुत सुंदर माधुर्य प्रसंग है। लेकिन इस प्रसंग में क्या हुआ, कहते हैं सूरपति, सूर माने देवता, पति माने देवताओं का राजा इंद्र, तो सूरपति सूत, इंद्र का सूत माने बेटा पुत्र, धरी बायस बेशा, धरी धारण करके, क्या धारण करके, बायस माने कौवा, इंद्र का बेटा जिसका नाम था जयंत, वो जयंत कौवे का रूप लेकर आया और सठ चाहत रघुपति बल देखा। गोस्वामी जी गाली देते हुए कहते हैं कि वो सठ, वो मूरख रघुपति राम के बल को देखना चाहता था कि भाई सुना है कि प्रभु का अवतार हुआ है, तो जरा प्रभु के बल को मैं देखकर चेक करके आऊं। और उसके मन में ये भाव था, क्यों, क्योंकि सूरपति सूत, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले देवराज इंद्र का बेटा था। यद्यपि भगवान राम की माधुर्य लीला चल रही है और उस लीला को देखकर इसके हृदय में भाव और प्रेम उमड़ना चाहिए, लेकिन इसके मन में ईर्ष्या और द्वेष प्रकट हो गई। कारण यह है कि यद्यपि राम जी की माधुर्य लीला है, लेकिन माधुर्य लीला को प्रकट करने के लिए हृदय में वैराग्य चाहिए। हैं? जैसे केसर जो है ना, वो कश्मीर में ही उगता है, जानते हो, केसर कश्मीर में ही होता है। तो कोई सोचे कि भाई कश्मीर की माटी लाकर अपने घर पर केसर उगाऊंगा, तो अरे कश्मीर की माटी लाओगे, वहां का वातावरण कहां से लाओगे। केसर कश्मीर में होता है, ठीक उसी प्रकार ये माधुर्य लीला की समझ वैराग्य की भूमि में होती है और ये इंद्र का बेटा भोग भूमि में रहने वाला आदमी, स्वर्ग जो है वो भोग की भूमि है और भोग की भूमि में रहने वाला आदमी भगवान की इस लीला को नहीं समझ सकता। इस माधुर्य को समझने के लिए वैराग्य की भूमि चाहिए। इसलिए इतनी सुंदर लीला होते हुए भी वो राम जी की लीला को समझ नहीं पाया और राम जी के बल पराक्रम को देखना चाहता था। गोस्वामी जी दूसरे लाइन में कहते हैं कि राम जी के बल को समझना चाहता था, ये तो वैसा ही था जिमी पिपली का सागर था, महामंद मति पावन चाहा। जैसे कोई चींटी समुद्र को नापने का प्रयास करे, केम थाय, मने क्यों, तब मने क्यों आलो, एक कीड़ी एक चींटी किसी समुद्र को नापना चाहे तो क्या नाप सकती है। चींटी के 100 जन्म बीत जाएंगे लेकिन फिर भी समुद्र को नाप नहीं सकते। तो यहां जयंत भगवान रामचंद्र के बल पराक्रम को नापना चाहता था जो उसके बस का नहीं था। कई बार मैं कहता हूं कि भगवान को और भगवान के भक्त को नापने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साधु संतों ने मापवानो प्रयास न करवो जोइए, इन्हें पामवानो प्रयास करवो जोइए। ये भक्त है ऐसा, वो वैसा है, इसमें हम कहां खो जाएंगे पता नहीं रहेगा। देखिए आज जयंत की जो हालत होने वाली है, तो अच्छा यहां पर लिखा है बायस बेशा, बायस, बायस माने कौवा, कौवे का रूप लेकर आया। जो दूसरों की निंदा करता है ना, वो कौवा माना जाता है। आप देखोगे कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि कितना भी अच्छा सत्संग हो, कितने भी अच्छे लोग मिले हो, 2-3 मिनट अच्छी चर्चा करते हैं और फिर वो निंदा शुरू हो जाती है। जो केवल दूसरों की निंदा करते हैं उसे गोस्वामी जी ने कौवा कहा।
और दूसरे शब्दों में जो दूसरों की निंदा, दूसरों के गृहस्थ जीवन में, किसी के गृहस्थ जीवन के सुख को देखकर सुखी नहीं होते और उनकी निंदा और ईर्ष्या करते उसे दुखी होते हैं, उसे दूसरे जन्म में कौवे का रूप मिलता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप लेकर आया और आगे कहते हैं कि सीता चरण चौंच हति भागा। अब सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन क्या है कि राम जी फूल चयन किए, उसकी माला बनाए। आप बताइए राम जी कितने मूड में होंगे उस दिन, जिस दिन अपने हाथों से फूल तोड़े, अपने हाथों से फूल की माला बनाई और सीता जी के गले में पहने, वो रासलीला कर रहे थे और रासलीला में थोड़ी देर के लिए नीचे बैठे थे, और उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत आया और सीता चरण चौंच हति भागा, सीता जी के चरणों में चौंच मार के भागा। सीता जी के चरणों में चौंच, एक रहस्य की बात मैं आपको जना दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी दास्य भाव में है, इसलिए बिचारे वो कह नहीं पाए, लिख नहीं पाए। वो जयंत सीता जी के चरणों में नहीं, सीता जी की छाती में चोंच मार के गया था, बहुत बुरा काम किया था वो जयंत। गोस्वामी जी नहीं लिख पाए, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने लिखा है कि वो सीता जी के आंचल पर, उनके हृदय पर चोंच मार के गया। और गोस्वामी जी को भी यदि समझो तो उन्होंने अप्रकट रूप से यहां पर लिखा, आप देखो संधि विच्छेद करो, सीता, सीता में से अ निकाल दो और वो चरण के साथ अ जोड़ दो, तो सीता आंचल चोंच अति भागा, सीता के आंचल में चोंच मार के भागा। तो संधि विच्छेद से गोस्वामी तुलसीदास जी भी ये प्रस्तुत करते हैं, लेकिन दास भाव में होने के कारण अप्रकट रूप से बताना चाहता है। तो वह जयंत सीता जी के चरणों में या आंचल में चोंच मार के भागा, मूड मंद मति कारण कागा। जैसे ही वो चोंच मार के गया, चला रुधिर रघुनायक जाना। अब उस समय सीता के गोद में राम जी अपना मस्तक रखकर सोए थे। सीता जी को जब ये कष्ट, ये चोंच मारा, सीता जी ने उफ तक नहीं किया, बस राम जी मेरे गोद में मस्तक रखकर सोए हैं, यदि मैं कुछ हिलूंगी कुछ करूंगी तो राम जी डिस्टर्ब हो जाएंगे। सीता जी के हृदय से खून की धारा बहने लगी, लेकिन भक्त का भाव देखिए, मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए, प्रभु की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यह सीता मैया का भाव है। जैसे हरिदास ठाकुर ने कहा ना, खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन ठाकुर को कुछ नहीं होना चाहिए। सीता जी का ये भाव था। बहुत खून बह गया और वह खून बहकर जब नीचे आया, राम जी को स्पर्श हुआ, राम जी समझ गए कुछ तो है, ऐसा देखा तो लाल लाल, राम जी खड़े हुए। लिखा है कि चला रुधिर रघुनायक जाना, राम जी ने देखा कि ओ खून की धारा बह रही है। मर्यादा में रहने वाले राम जो कभी क्रोधित नहीं होते, आपने देखा ना लक्ष्मण कितना क्रोधित होता था, लेकिन राम जी उनको शांत करा देते थे। परम शांत पात्र है, परम मर्यादा में पात्र है, लेकिन ऐसे राम जी ने देखा कि ये सीता के ऊपर प्रहार किया। चला रुधिर रघुनायक जाना, जब राम जी ने इस बात को जाना, राम जी को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध इस बात का हुआ, राम जी ने सोचा मेरा गला काट दिया होता ना तो चलता, लेकिन मेरे भक्त को दुखी किया, सीता को दुखी किया, और ऐसी सीता को इतना कष्ट पड़ने पर भी उफ तक नहीं करती है। उसी समय राम जी का धनुष बाण तो था नहीं, क्योंकि माधुर्य लीला में थे, एक बात याद रहे,
राम जी सदैव धनुष बाण हाथ में रखते हैं, लेकिन अभी तो माधुर्य चल रहा था, तो धनुष बाण था नहीं। और राम जी जहां सीता के गोद में सोए थे वहां कुछ घास के तिनके पड़े थे, और उस समय राम जी ने एक घास का तिनका उठाया, सीक धनुष सायक संधाना, वो घास का तिनका उठाकर भगवान रामचंद्र ने मंत्र का उच्चारण किया और उस जयंत के ऊपर छोड़ा। कहते हैं प्रेरित मंत्र, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, चला भाजी बायस भय पाव, चला भाजी बायस भय पाव, धरिनी जरूप गयहू पिताही, राम विमुख राखाते ही नाई। राम जी ने देखा कि ये जयंत ने इतना बड़ा अपराध, सीता को वो लहू की धारा देखी और राम जी को क्रोध आया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, मंत्र का उच्चारण करके घास का तिनका जयंत के पीछे डाला। वो घास का तिनका जयंत के पीछे आया ना, जयंत समझ गया कि न धनुष न बाण, केवल घास का तिनका उठाया और मंत्र बोलकर छोड़ा, और ये ब्रह्मास्त्र की तरह मेरे पीछे आ रहा है और ये अभी मुझे मार देगा। जब भगवान ने वो बाण की तरह वो तिनका छोड़ा, तब जयंत को बुद्धि आ गई, ओ ये तो भगवान है, मैं तो किसकी परीक्षा करने चला, मैंने बहुत भूल कर दी, गड़बड़ कर दी, अब ये तो सब कुछ हुआ लेकिन अपराध कर बैठा है? तो चला भाजी बायस भय पावा, वो बायस वो कौवा भयभीत होकर वहां से भागा, और भागते भागते उसने क्या किया, धरी निज रूप, वो जो कौवे का रूप था उसे हटा दिया और निज रूप धारण कर लिया, वो जयंत वाला वो देवता वाला रूप धारण किया और सीधा स्वर्ग में पहुंचा, इंद्र के पास, इंद्र की सभा में कहा पिताजी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, क्या हुआ, बोले पीछे वो राम जी का शस्त्र आ रहा है, तूने क्या किया, बोले मैंने सीता जी के ऊपर चंचुपात किया। तब इंद्र ने देखा राम विमुख राखाते ही नाही, बोले तूने राम का अपराध किया है। इंद्र ने कहा तूने राम का अपराध किया है, मेरा बेटा है तो क्या हो गया, तू भले मेरा बेटा है लेकिन राम और सीता का अपराध करने वाले को मैं पनाह नहीं दूंगा, भाग यहां से। बाप होकर भी अपने बेटे को भगा दिया है? राम सीता कोई अपराध करने लायक है? इंद्र ने भगा दिया। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं भा निराश उपजी मन त्रासा, भा माने कौवा, कौवे को संस्कृत में अवधि में भा कहते हैं, कई बार कुछ लोग आदमी को भा कह देते हैं, पुरुष स्त्री को भा समझना चाहिए, भा का अर्थ क्या है, भाव अच्छा चीज है, भा 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 बोलना अच्छा नहीं। सो भा निराश, वो भा जो था वो निराश हो गया और उपजी मन त्रासा, और उसके मन में बहुत त्रास हुआ, वो फिजिकली भी डिस्टर्ब, क्योंकि पीछे धनुष वो भगवान राम का बाण आ रहा है, और मेंटली भी डिस्टर्ब हो गया। और किस प्रकार से परेशान हुआ, यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, सतयुग में महाराज अम्बरीश का अपराध करने पर दुर्वासा ऋषि के पीछे भगवान विष्णु का चक्र पड़ा था, वैसे सीता जी का अपराध करने पर राम जी का ये बाण जयंत का पीछा करने लगा। अब जब इंद्र ने रक्षा, उनके बाप ने रक्षा नहीं की, तो उनके फादर
ग्रैंडफादर के पास गया, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्म धाम। ब्रह्मा जी को कहा, दादाजी दादाजी मेरी रक्षा करो। दादाजी ने पहले तो तैयार हुए, आजा आजा बेटा, लेकिन हुआ क्या? बोले मैंने सीता जी का अपराध किया। दादाजी ने डंडा हाथ में लिया, भाग यहां से, राम तो बाद में मारेगा, पहले मैं तुझे मारूंगा। ब्रह्म धाम, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि तू यहां नहीं चलेगा। शिवपुर, शिव जी के पास गया, शिव जी ने भी कहा, राम जी का, जिस राम का मैं रोज स्मरण करता हूं, राम जी का नाम लेता हूं, सीता राम का अपराध करने वाले को कोई पनाह नहीं देता। तो ब्रह्मलोक, शिवलोक, सब लोका, ऐसे करके सब लोकों में गया। फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका, सब जगह पर गया लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की। काहुन बैठन कहान ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। जहां पर भी गया लोगों ने उसे धुतकारा, भगाया। क्यों? क्योंकि जो राम का द्रोही होता है उसको कोई नहीं रखता। अब सिद्धांत सुनिए, जो राम और सीता से द्रोह करेगा, जो प्रभु से द्वेष करेगा, खास करके प्रभु उसके भक्तों से द्वेष करेगा, मातु मृत्यु, उनकी माता उनके मृत्यु के समान बन जाएगी। और पितु समन समाना, और पितु, पिता जो है उनके लिए यमराज बन जाएगा। सुधा होई विष, जो भगवान और भक्तों से द्वेष करेगा उसके लिए अमृत विष बन जाएगा। सुनु हरि जाना, हरि के जन से जो अपराध करेगा। आगे बहुत सुंदर कहते हैं, मित्र करई शत रिपु के करनी। राम और सीता से जो द्वेष करेगा उनका मित्र हजारों करोड़ों शत्रु के समान बन जाएगा। ता कर विबुध नदी बैतरणी, और गंगा नदी उसके लिए वैतरणी, वो नरक में बहने वाली नदी बन जाएगी, जो भगवान और भक्त का अपराध करेगा। सब जग ताही अन लहू ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। संसार में, जगत में कहीं भी उसे पनाह नहीं मिलेगी जो भगवान और उनके भक्त से अपराध। तो जयंत को कहीं भी पनाह नहीं मिली, लोक लोकांतर में भागा, और राम जी का वो बाण, तीन का स्वरूप ब्रह्मास्त्र, उनके पीछे पीछे भाग रहा है। जब इस प्रकार से जयंत परेशान, और इतना परेशान हुआ तो बुद्धि तो आ गई, उसके मन में, हृदय में भावना भी आ गई कि मैंने गलती की है, लेकिन जयंत को कोई आश्रय नहीं मिला। हमारे वहां कहावत है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका संत साधु होता है, जिसको कहीं पनाह नहीं मिलती उसे कोई भक्त पनाह देता है। क्या हुआ? जयंत विचरण करते 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 परेशान होते हुए जा रहा था, नारद जी का दर्शन हो गया। नारद देखा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चिंत संता। पठवा तुरंत राम पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आई, जयंत ने अपराध किया था लेकिन अपने किए हुए अपराध का एहसास था उसे, उसे फीलिंग्स थी, एहसास था कि मेरे से गलती हुई। नारद जी को दया आई, नारद जी को दया, किसी को, उनके बाप को दया नहीं आई, माँ को नहीं आई, दादा को नहीं आई, शिव ब्रह्मा किसी को दया नहीं आई, और नारद मुनि को दया आई। कारण उसके विषय में यहां लिखते हैं, लागी दया कोमल चित संता, क्योंकि संतों का चित जो होता है ना, बड़ा कोमल होता है।
संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय ताजे माखन जैसा होता है। अमूल बटर वालों, ताजा माखन आप क्या जानो। आजकल का माखन तो किसी के सर पर मारो तो बेहोश होकर गिर जाए, लेकिन गाय के दूध का फिर दही बने और दही से माखन बने और ताजा जो नवनीत होता है, वो नवनीत बहुत कोमल होता है। सो संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय उस ताजे माखन के समान कोमल होता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, कहा कवि, कवियों ने ये कहा लेकिन कह ही न जाना। लेकिन कवियों को कहना नहीं आया, क्यों? क्योंकि संतों का हृदय उस ताजे माखन से भी अधिक कोमल होता है। कैसे? वो जो माखन होता है ना, उसके नीचे आग लगाओ, जब माखन को आंच लगती है तब वो पिघलता है, लेकिन संतों का हृदय दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाता है। संतों का हृदय किसी अन्य दुखी को देखकर पिघल जाता है। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खग राया। गरुड़ जी, काकभूषणी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि गरुड़ संतों का स्वभाव सुनो, पर उपकार। संत जो होते हैं ना, उसका जीवन दूसरों के लिए होता है, वो अपना कुछ नहीं देखते, उसके हृदय में इतना कोमल होता है कि वे दूसरों के दुख देख नहीं पाते। इसलिए यहां पर नारद मुनि जयंत को पठावा। अब मुझे बताइए, किसी संत को किसी के ऊपर उपकार करना है तो वो क्या करेगा? आजकल के बापू बाबा की तरह एक पीठ पर एक धब्बा मार देगा या लाल चटनी लीली चटनी खाने को कहेगा? नहीं, मुझे बताओ, ये रामायण आपके सामने है, समोसा के साथ हरी चटनी खाओ सब ठीक, नारद जी ने ऐसा कहा? या नारद जी ने कुछ मतलब कोई जादू टोना तंत्र मंत्र जंतर, क्या क्या इतिहास क्या कहता है, रामायण में क्या लिखा है? आप देखो, आप क्लियर, आप चौपाई देखो, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने देखा कि जयंत बहुत विकल है, टेंशन में है, चिंता में है, प्रॉब्लम में है, तो लागी दया, नारद जी को दया हुई, क्योंकि कोमल चित्त संता, संतों की चित्त कोमल होते हैं। ओके, तो नारद जी ने उपाय क्या किया, सॉल्यूशन क्या किया? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, पठवा। समझते हैं? पठवा माने पढ़ाया, सुनाया है? एक संत, एक गुरु अपने आश्रित का कल्याण उसे पढ़ाकर, उसे कुछ सुनाकर ही कर सकता है। तो पठवा तुरंत राम पहिता ही। नारद जी ने जयंत को कुछ पढ़ाया, कुछ सुनाया, और पठवा माने भेजा, कहां? राम जी के पास। नारद जी ने जयंत को उपदेश दिया और राम जी के पास भेजा, बोले तूने अपराध सीता राम का किया है और आश्रय तू पूरी दुनिया में सब लोगों का ले रहा है, अरे जिसका अपराध किया है उसका आश्रय ले, उससे माफी मांग। कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही, राम जी बड़े कृपालु हैं, तुम उसे प्रार्थना करोगे क्षमा कर देंगे। अब जयंत नारद जी के कहने पर राम जी के पास कांप रहा था, वो बिल्कुल कांपते कांपते राम जी के पास आया और राम जी का तो बाटला फट गया था। राम जी तो सोचे इसकी 21 पीढ़ी को आज मिटा दूं, क्योंकि इसने आज जो अपराध किया है, न भूतो न भविष्यति, आज के बाद ऐसा कोई करना न चाहिए। तो राम जी तो पूर्ण तैयारी में बैठे थे और जैसे ही राम जी ने जयंत को देखा, तब तक तो राम जी धनुष बाण लेकर आ चुके थे और राम जी अपना धनुष बाण उठाकर मारने ही जा रहे थे। सीता माता की महिमा देखो आप,
सीता जी राम जी के चरणों में बैठ गई, प्रभु आप इसे क्षमा कर दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। अरे नहीं, इसने तेरे छाती पर चोट मारी है, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। सीता जी ने कहा कि प्रभु बताओ मैं कौन हूं। मैं जगत जननी हूं, मैं जगत को जन्म देने वाली हूं, और ये सब लोग कौन? मेरे ही तो पुत्र है, मेरे ही तो जीव है। और एक बेटा कभी कभी दूध पीते हुए अपनी मां के हृदय में चोट मार देता है, तो क्या मां उस बेटे को छोड़ देती है? कभी कभी मां को खून भी निकल आता है तो मां उस बेटे को त्याग देती है। प्रभु ये समझ कर कि ये हमारे बच्चे हैं और इसे गलती हो गई, भले मुझे खून निकला, आप इसे क्षमा कर दो। कितनी दयालु कितनी कृपालु है जनक तनया जगत जननी माता सीता। इतना बड़ा अपराध करने वाले अपराधी के लिए आज प्रभु रामचंद्र के चरणों में क्षमा याचना मांग रही है। जयंत की बात नहीं सुनी, मुझे तो लगता है यहां पर सुनी कृपाल अति आरत वाणी। राम जी ने सीता जी की बात को सुनकर, राम जी को क्रोध तो था लेकिन सीता जी ने जब इस प्रकार से सिफारिश की क्षमा याचना, तो वैसे ही हुआ ना जैसे जगाए मदाई ने नित्यानंद प्रभु का माथा फोड़ दिया और उनको खून की धारा बहने लगी, और चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र और उसका गला काटने ही जा रहे थे, नित्यानंद प्रभु ने उसे रोक दिया। ठीक उसी प्रकार परम कृपालु परम दयालु श्री सीता माता राम जी से कहती कि आप इसे क्षमा कर दीजिए। तब राम जी ने कहा कि भाई इसने पाप तो किया है, और राम जी ने धनुष बाण भी चढ़ा दिया था, तो राम जी ने क्या किया? एक नयन करी तजा भवानी। ये कथा शिव जी पार्वती को सुनाते हैं। पार्वती, उस समय राम जी ने उस कौवे को एक आंख फोड़ के छोड़ दिया। गोस्वामी जी अपनी ओर से बहुत सुंदर कमेंट देते हैं, किन मोह बस द्रोह जदपि ते ही कर वध उचित। कितनी बड़ी बात, जयंत का जो दोष था उस दोष के परिणाम में उसका वध ही उचित था। लीगली जयंत ने जो किया था, मने बोलो बाहुबली याद आवे, वो क्या होता है, काटते हैं उसका गला, क्या उंगली नहीं गला काटते, वो डायलॉग याद नहीं है, मुझे याद होता तो मैं भी सुना देता। तो उंगली नहीं काटते उसका गला काटते हैं, मने ही याद आवे। तो यहां पर वही कहते हैं, कीन मोह बस द्रोह जदपि तेही कर वध उचित। जयंत ने जो किया था उसके लिए जयंत को मार देना ही उचित था, लेकिन विचार करो प्रभु छाड़ेऊ करी छोह को कृपाल रघुवीर सम। उसको केवल एक आंख फोड़कर उसे छोड़ दिया, इससे बड़े कृपालु इससे बड़ा दयालु इस धरती पर कौन हो सकता है। ऐसे राम जी की शरण ग्रहण करके हम भवसागर को पार हो सकते हैं, इस 84 के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे भगवान रामचंद्र की हमको शरण ग्रहण करनी है। तो राम जी सीता मैया के साथ रघुपति चित्रकूट बसी नाना, यहाँ चित्रकूट में रहकर 13 वर्ष तक सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, और लीला करके फिर अत्री और अनसुया जी के आश्रम में जाते हैं, और फिर आगे बहुत विचरण होता है, ये सब कथा हम सुनेंगे। आज प्रथम दिन था, प्रथम दिन में भूमिका और एक छोटा सा इतिहास आप सबको सुनाया। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद हमारे तालम परिवार को जिन्होंने बहुत सुंदर अपने पिता की 80 वर्ष पूर्ण होने के इस उपलक्ष में यह सुंदर भगवत कथा का आयोजन किया। आइए जय जयकार के साथ इस सत्र को हम विराम करें।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री कृष्ण चंद्र भगवान के श्री रामचंद्र भगवान के जगत गुरु श्री प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान लाल गोविंद जी का कि आज इस प्रथम दिवस की कथा के अंतर्गत बहुत ही सुंदर भगवान श्री राम की इस अरण्य कांड की इस सर्वप्रथम लीला को हम सबको बहुत ही सुंदर प्रकार से भाव के साथ में आस्वादन कराए और इस लीला के अंतर्गत बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें हमें जानने को मिली। आज सर्वप्रथम तो यही जाना कि कैसे एक साधु होता है जिसका हृदय नवनीत के समान होता है, कोमल होता है, इसलिए वे दूसरों की पीड़ा या दुख को देखते ही उसका मन भी पिघल जाता है और वो स्वाभाविक उनके ऊपर करुणा करता है। यह सुंदर कथा आज हमने श्रवण की प्रथम दिवस के अंतर्गत तो हम धन्यवाद करते हैं श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी का और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे इस भागवत कथा के आयोजक भक्त हमारे पुष्पा माता जी और तालम परिवार का और कुंचुम परिवार का जिसके इस सुंदर मनोरथ के कारण बस हम सबको इस सुंदर दिवस जो कि हमारे भागवत कथा का प्रथम दिवस है यह सुंदर कथा आस्वादन करने को मिली। सो आइए महामंत्र उच्चारण करते हैं, हम उनका अभिवादन करते हैं एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। और साथ ही साथ धन्यवाद हमारे समस्त विश्वचर्चा परिवार के श्रोताओं का कि आप सब भी इस प्रकार इस कथा में अपनी उपस्थिति दिए, इसके लिए आप सब का भी धन्यवाद और विशेष हमारे YouTube फेसबुक के श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं। एंड साथ ही साथ ये मत भूलिए कि कल श्री रामनवमी है, सो देर विल बी फास्ट टिल नून, दोपहर 12 बजे तक 1 बजे तक जब तक भगवान का अभिषेक हो जाता है उसके पश्चात ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। तब तक भक्तों को चाहिए कि निर्जला करें, व्रत करना चाहिए और अच्छे से भगवान का नाम लेना चाहिए। तो कल रामनवमी है, सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस रामनवमी टुमारो। आज से ही आपको शुभकामना दे देते हैं कि कल आप अच्छे से इसका व्रत का पालन करें और फिर से हम इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे जहां पर हम भगवान श्री राम की जन्म की कथा भी सुनने वाले हैं प्रभु जी के मुखारे। टिल देन टेक केयर। आइए हम सब खड़े होकर श्री रामायण जी की आरती करते हैं इस दिव्य ग्रंथ की और साथ ही साथ कीर्तन करते हैं और आज के सुंदर सत्र को विराम करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी किरत कलित ललित सिय पीकी किरत कलित ललित सिय पीकी आवत ब्रह्मादिक मुनि शारद शुक
शारद हरणि पवन सुत कीर्ति संतन शंभु भवानी रावत संतन शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासयादि कवि सम्मत सब ही के सब विधि तुलसी की आरति श्री रामायण जी की आरति श्री रामायण जी की आरति श्री रामायण जी की आरति श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय हो, राम राम हरे हरे।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्याम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम।